सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, ये हमारा ग्रेविटेशन का सेकंड लेक्चर है। ओके, वो लेक्चर वन में हमने दो पार्ट में स्प्लिट हो गया था ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन। सो इसमें हम कोशिश करेंगे कि सारा लेक्चर लेक्चर टू जो है एक ही साथ हो। ओके, बेसिकली ये लेक्चर वन का ही पार्ट होगा तो, लेकिन इसको लेक्चर टू कहते हैं। इसमें हम बात करेंगे ग्रेविटेशन में, तो बेसिकली हम लोग क्या है ग्रेविटेशन क्या है वो समझ रखे हैं और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट समझ रखे हैं। अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड के रिगार्डिंग। ओके, सो ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, इसको अच्छे से समझ लेंगे, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कर लेंगे, उसके बाद हम कैपलर्स लॉ पे आएंगे। ओके, सो इस बात को यहीं पे नोट कर लीजिए। आज हम क्या सीखेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसके रिगार्डिंग इस लेक्चर में बेसिकली बात करेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो कंसेप्ट हमें आप सिखाएंगे, सेम कंसेप्ट हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोस्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। ओके, सिमिलर कंसेप्ट होगा, वेरी सिमिलर कंसेप्ट होता है, जहाँ वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं, जिस तरह से आप एलिमेंटल कंसिडरेशन करोगे और इंटीग्रेशन का यूज करोगे या कहाँ पर डिफ्रेंसिएशन का यूज करेंगे, वेरी सिमिलर डिक्टो होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते टाइम भी वही होगा इलेक्ट्रोस्टेट जब पढ़ेंगे, तो इसको अच्छे से यहीं पे समझ लेते। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन की बात कर रहे थे तो ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड बेसिकली फील्ड कहने का मतलब क्या होता है, फील्ड जैसे खेत भी बोलते हो, फील्ड मतलब क्या होता है, जहाँ पे खेलते हो आप लोग, क्रिकेट का फील्ड होता है, फुटबॉल का फील्ड होता है। ओके, तो वैसा ही क्या होगा ग्रेविटेशनल फील्ड या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो क्या होता है जहाँ पर जो आसपास का एरिया होता है, जो हमारे आसपास के घर के आसपास का एरिया होता है, जहाँ पे हमारा इफेक्ट होता है, हमें लोग जानते पहचानते, तो कहा जाता है कि हमारा फील्ड है भाई ऐसा। ओके, वैसा ही ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे तो किसी बॉडी के आसपास जिसके पास मास है, किसी मास जो कोई भी बॉडी है जिसके पास मास है, उसके आसपास का जो एरिया होगा जहाँ तक उसका इफेक्ट होगा, उसके मास का इफेक्ट होगा, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। ओके, सो ये बात आसानी से समझ सकते हो आप, ग्रेविटेशनल फील्ड कहने का मतलब क्या होगा, अ स्पेस अराउंड ए बॉडी हैविंग मास वेयर इफेक्ट ऑफ दैट बॉडी कैन बी परसीव्ड इज नोन एज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर टेस्ट मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, सो ग्रेविटेशनल फील्ड कहने का मतलब क्या होता है, इट इज अ स्पेस अराउंड ए बॉडी वेयर ग्रेविटेशनल इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर बॉडी, इसको हम बोलते हैं टेस्ट मास। ओके, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे तो जिस इलेक्ट्रिक चार्ज या जिस चार्ज बॉडी के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे होते हैं और उसके लिए हम एक टेस्ट चार्ज का यूज करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी जो होगा दो तरह का मास। अगर मान लो कि आपने ये एक मास कंसीडर किया है, इस मास के कारण इसके स्पेस में, इसके सराउंडिंग स्पेस में r डिस्टेंस पे क्या करते हो ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसको बोलोगे सोर्स मास और ये होगा आपका टेस्ट मास। ओके, सपोज कि इसका मास m है और इसका मास कैपिटल m है। ओके, सो अब ग्रेविटेशनल इफेक्ट की बात करेंगे तो ये मास जो है इस मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में है। ओके, सो ये क्या होगा, अगर ये टेस्ट मास इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में है, इस मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो
ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा. ओके, सो बेसिकली फिट करने का मतलब क्या होता है, स्पेस अराउंड एनी बॉडी वेयर इफेक्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड. ओके, सो इसको हम समझ लेते हैं, एक मास है इसको सोर्स मास बोल लेते हैं. इस मास के कारण इस पोजीशन पे अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट मास यहाँ पे रखेंगे और इसको हम क्या करते हैं, टेस्ट मास को चेक करते हैं ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. ओके, अब इसमें देखो बुक में भी मेंशन नहीं किया होता है ये चीजें, अगर आप यहाँ पे ध्यान नहीं रखोगे तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, हम इस टेस्ट मास को जब यहाँ पे रखते हैं तो ये जो है हम ऐसा एज्यूम करते हैं, एजम्पशन होता है हमारा, क्या हमारा एजम्पशन होता है कि ये मास जो है, ये मास सिर्फ अपने ये मास जो है सिर्फ इस सोर्स मास के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण इंटरैक्ट हो रहा है, ये अपने फील्ड के कारण नहीं होता. कोई भी मास जो है अपने फील्ड के कारण, अपने ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने ही इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, जब दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो उसके फील्ड के कारण एक्सपीरियंस करेगा. वैसे ही ये मास जो है इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकता है, और जनरली ये मास भी इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकता है रियलिटी में. बट जब हम कैलकुलेशन करते हैं इसके ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को, तो हम अज्यूम करते हैं कि इसका जो है ग्रेविटेशनल इफेक्ट यहाँ पर जीरो है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ये कैपिटल मास जो है स्मॉल मास पे फोर्स को फोर्स एग्जर्ट कर रहा है. ओके, सो सिर्फ जो है हमारा कैपिटल मास स्मॉल मास को पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ कैलकुलेशन के लिए. ओके, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हम एज्यूम करते हैं कि ये जो हमारा कैपिटल मास है वही जो है सिर्फ इस पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ये स्मॉल मास जो है इस पे फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहा है. ओके, सो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए अगर हम बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप जानते हो Fg इक्वल टू क्या होता है, gmm by r square. चलो ये ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या हुआ, डेफिनेशन हुआ. अब हम बात करेंगे फील्ड इंटेंसिटी का. ओके, सो फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन किया जाता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट मास फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड, इन ए किसी भी मास के किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में यूनिट मास कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यूनिट मास जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम उस पॉइंट पे क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो इंटेंसिटी होगा, वो इंटेंसिटी किसके कारण होगा, इस सोर्स मास के कारण होगा. ओके, सो सोर्स मास के कारण, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक बार चेक कर लीजिए क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो ये क्या होता है, इट इज इन ए गिवन ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए गिवन पॉइंट. ओके, जहां पर भी आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, एट ए गिवन पॉइंट फील्ड इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल यहीं पे हम अटैच कर देते हैं, जनरली उसको आर जी से हम डिनोट करेंगे, याद रखेंगे. ओके, इसको हम क्या करेंगे, आई जी से डिनोट करेंगे, एक बार चेक कर लो, इसको हम आई जी से डिनोट करेंगे.
So gravitational field intensity in a given gravitational field at a given point, gravitational field intensity symbol हम यूज करेंगे आई is defined as, अब इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं लिखने के लिए, defined as gravitational force experienced by unit mass. Gravitational force experienced by unit mass, defined as gravitational force experienced by unit mass. Okay. अब सपोज किया कि ये जो है m mass जो है आप m mass जो है इतना फोर्स है ये एक्सपीरियंस कर रहा है, इस बॉडी का मास m है और ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है gmm/r². सो फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स की बात करेंगे कि ये जो होगा ig इक्वल टू क्या होगा यूनिट मास के लिए अगर आप डिफाइन करोगे तो आप क्या लिखोगे f/m। ये वाला जो आप रूल यूज करते हो m मास का है तो फोर्स लग रहा है f, तो यूनिट मास का होगा तो f/m हो जाएगा। ओके, उसी रूल के अकॉर्डिंग तो ये ig क्या होगा याद रखोगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मास डिवाइडेड बाय मास क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। अब यहीं पे एक इसको मैग्नीट्यूड में जाने से पहले यहीं पे बात कर लेते हैं आईजी की बात करेंगे जिसका ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए। तो ये यहाँ पे देख लो कि ये क्या है फोर्स बाय मास, ऐसा तो आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आप पढ़ते हो एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू एम बाय एम दैट इज ए क्या होता है वहां पे एक्सेलरेशन होता है। तो वही ये क्या होगा आईजी का डायमेंशन जो होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा एक्सेलरेशन का डायमेंशन ही होगा। इसको यहीं पे ध्यान दे देंगे ig इक्वल टू f बाय m लिखा हमने तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन का यूनिट सेम होगा डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा और डिफाइन भी वैसे ही करते हैं हम। सो ig क्या हो जाएगा जी f बाय m करोगे तो ये हो जाएगा gm बाय r स्क्वायर ig इक्वल टू हो गया gm by r square। अगर ये क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा इट इज वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन क्या होता है वेक्टर होता है ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा इट इज वेक्टर क्वांटिटी होता है। और इसको अगर आप इस तरह से लिखेंगे ig को अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो ये देखो हमारा क्या है ये मास है और ये देखो पोजीशन वेक्टर जो होगा अगर आप राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को आपको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इधर होगा। सो आई जी को अगर हम लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे एफ बाय एम फोर्स को भी वेक्टर लिखोगे और फोर्स को वेक्टर लिखोगे तो आप क्या लिखोगे अब यहाँ पे फोर्स को डायरेक्शन देना है तो डायरेक्शन के साथ अगर आप हम लिखना चाहें तो इस केस में अगर मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन को आपने राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को आप नेगेटिव कंसीडर करोगे ये हो गया माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर। ओके ये देखो याद रखेंगे आर जी इक्वल टू क्या हो गया माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर और यहाँ पर देखो आर का डायरेक्शन के अपोजिट है तो एक हम आर कैप यूज कर लेंगे। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो जी एम बाय आर स्क्वायर सिर्फ आई जी का है मैग्नीट्यूड में लिखा हुआ है तो ये जी एम बाय आर स्क्वायर इन वेक्टर में लिखेंगे माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर एंड डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा माइनस पर नहीं लगा दिए मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो जी एम बाय आर स्क्वायर एंड डायरेक्शन की बात करेंगे तो निगेटिव ऑफ आर कैप मतलब कि आर कैप क्या है पोजिशन वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो निगेटिव ऑफ आर के कैप अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा।
होपफुली यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, हम क्या कहें, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो फील्ड स्पेस अराउंड एनी मास इज नोन एज वेयर ग्रेविटेशनल इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, एक बार फिर से एक्सेंचुएट कर रहे हैं इस पॉइंट को, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम डिफाइन करते हैं। तो किसी गिवन फील्ड में, किसी गिवन ग्रेविटेशनल फील्ड में या फिर कोई एक पर्टिकुलर मास गिवन है और उसके अबाउट किसी पोजीशन पे आपको उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करते हो, एक टेस्ट मास को वहाँ पे लाते हो और ये चेक करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं वो टेस्ट मास कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो फोर्स मिलता है हमें जी एम एम बाई आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और हम उसी फोर्स पर एक मास को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स पर एक मास क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ऐसा एक्टिव की बात करेंगे तो जो एक्सेलरेशन का होता है वही होगा, और डायमेंशन की भी बात करेंगे, आईजी का डायमेंशन तो वही होगा जो एक्सेलरेशन का होता है। सो आईजी का ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एंड जी एम बाई आर स्क्वायर की बात करेंगे जो कि जी एम बाई आर स्क्वायर के टर्म में भी लिखा जा सकता है। दूसरा, अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला इसे पूछा जाए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, तो एक्सेलरेशन का जो होता है एल टी माइनस टू, इसमें क्या होगा, मास का इन्वॉल्वमेंट नहीं है जी एम, ये देखो मास का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, याद रखेंगे। तो डायमेंशन ऑफ मास, अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन डायमेंशन ऑफ मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो डायमेंशन ऑफ मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आप क्या बोलेंगे, जीरो, ठीक है। सो इसको याद रखेंगे, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट जो है पार्टिकल मास के कारण क्या होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, उसके रिगार्डिंग हम लोग सीखते हैं। ओके, सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, तो इसको पहले से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, तो इसमें देखो यहां पे सबसे सिंपल पहला जो है ड्यू टू पार्टिकल ऑफ मास एम एट पोजीशन आर, सिंपल सा वहां पे स्फीयर को हमने पिक्चर बना के दिखाया था, पार्टिकल की भी बात करेंगे, तो पार्टिकल है एम मास का और एम मास से आर डिस्टेंस पे आपको पॉइंट पी पर अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना है तो ये होगा आई पी इक्वल टू आप लिखेंगे जी एम बाय आर स्क्वायर, और अगर इसको फैक्टर में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो आई पी इक्वल टू माइनस जी एम बाय, यहाँ पर बहुत सारे बुक में क्या होता है यहाँ पर नहीं करते वो डायरेक्ट आपको माइनस लिख देंगे। ओके, सो याद रखेंगे वहां पे वो माइनस लिखने का मतलब क्या होता है, वो नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, डायरेक्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं। ओके, सो इस केस में अगर मान लो कि ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ जो होगा बहुत सारा बुक सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेकर बनाएगा तो ग्राफ ऊपर बना देगा, और बहुत सारा बुक अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को कंसीडर किया है तो जनरली जो है एक्स 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 कोऑर्डिनेट के ऊपर जहाँ पे आई जी होता है वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट जो रिप्रेजेंट करता है और सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को, तो आई जी पॉजिटिव अगर मान लो कि पॉजिटिव होता है वेक्टर वाला कंसीडर करेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड तो ये वाला जो है ऊपर ग्राफ बनेगा इस तरह से, लेकिन अगर आप डायरेक्शन भी कंसीडर करते हो तो इस केस में डायरेक्शन कंसीडर करेंगे ये वाला ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ओके, सो याद रखेंगे। अब नेक्स्ट जो है क्या कहते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, अब इस केस में
कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल के लिए सिंपल फार्मूला जी एम बाई आर स्क्वायर यूज कर लिए, जो कि सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर के लिए भी होगा, लेकिन सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में भी केस आता है, जस्ट इसकी बात देखेंगे। सो ड्यू टू कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर कौन हो सकता है, रेक्टेंगुलर शीट हो सकता है, डिस्क हो सकता है, सर्कुलर रिंग हो सकता है, ओके कुछ भी हो सकता है। सो हम यहाँ पे देखते हैं ड्यू टू कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। ओके सपोज कि ये हमारा क्या है, एक लीनियर मास डेंसिटी का या लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम क्या बोले, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। लेंथ जो है आपका एल और इसका मास जो है, टोटल मास जो है इसका एम है, ठीक है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसका ये सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास से ये जो है आपका ये आर पोजीशन पे पॉइंट पी पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई पी कैलकुलेट करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई पी कैलकुलेट करना है। ओके एक बार फिर से देख लो, चेक कर लीजिए इसको, आई लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मास आपका इस तरह से है, ये पूरा रॉड है, एल लेंथ का है, इस रॉड का मास जो है एम है, अब इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस मास के कारण क्या होगा, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, जब भी कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम क्या फंडामेंटल फार्मूला का यूज करते हैं, और उसके साथ मैथमेटिकल एप्लीकेशन होता है बेसिकली जो यूज करेंगे इंटीग्रेशन। ओके और थोड़ा बहुत हमें डिफरेंशिएशन का भी रिक्वायरमेंट पड़ जाता है। तो हम समझते हैं क्या, सिंपली हम मान लें कि ये जो है आपका कोई भी मास कंसीडर कर लेते हैं, कोई भी मास कंसीडर कर लेते हैं, ये जो है मास हमारा मान लेते हैं ये सेंटर से है, ये सपोज कि हम यहाँ से पॉइंट पी से हमने क्या माना, एक्स माना इसको, ओके और एक्स पे हमने इसका डी एक्स लेंथ कंसीडर किया, एक्स पे हमने क्या किया डी एक्स लेंथ इसका कंसीडर किया। ओके सो छोटा सा ये स्मॉल मास, बहुत ही डी एक्स करने का मतलब बहुत बहुत छोटा, ओके सो बहुत बहुत छोटा सा हमने सेक्शन कंसीडर किया जस्ट इसका, इसका छोटा से छोटा मास क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हो डी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इनटू डी एक्स। कभी आपको लीनियर मास डेंसिटी गिवन होगा, लैम्डा यहां पे याद रखिए, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, ओके लीनियर मास डेंसिटी। सो डी एम इक्वल टू आप लिखेंगे लैम्डा टाइम्स डी एक्स, और ये जो होगा इस छोटे से मास डी एम के कारण यहां पर ये आप इसको पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हो, इसको आप पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हो, ओके छोटा सा जो एलिमेंटल मास है उसको आप पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हो, इस पॉइंट मास के कारण इस पॉइंट पी पे जिसका सेपरेशन यहां से इस पॉइंट मास से एक्स है, अगर छोटा सा जो है इफेक्ट डी आई जी हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, जी टाइम डी एम टाइम जी टाइम डी एम ओवर सेपरेशन बिटवीन देम का स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से देख लो, चेक कर लो, सिंपल सा है, बहुत आसान है, एक रॉड है जैसा कि ये रॉड है और इस इसको यहाँ पे रॉड है और यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या होगा, तो हमने क्या किया इसका टोटल मास एम है और टोटल लेंथ एल है, तो लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा जो होगा आप लोग बड़ी बात निकालते हैं टोटल मास बाय टोटल लेंथ होता है, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा एम बाय एल हो जाएगा। सो डीएम की बात करेंगे तो डीएम क्या हो जाएगा हमारा लैम्डा इनटू डीएक्स, और इसको लैम्डा की जगह हम एम बाय एल लिख सकते हैं, बच्चे सब लोग होशियार हो, सब लोग जानते हो, ये बहुत आसान है, मैंने आपको कई बार सिखाया है, तो डीएम को
हमने लिख दिया MILFDX, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब इस छोटे से मास DM के कारण इस पॉइंट P पे जो कि इस DM से X डिस्टेंस पे है, तो हमें अगर लिखना पड़ेगा तो हम छोटा सा इफेक्ट, मतलब कि छोटे से मास के लिए छोटा सा इफेक्ट जो होगा, एलिमेंटल इफेक्ट की बात करेंगे तो DIG जो हो जाएगा वो GDM by X squared, so G के साथ M by L time DX over X squared कर दें, चल ठीक है जी आ गया। so ये मिल गया हमें, इसका जो फॉर्मेट होगा GM by L और ये हो जाएगा DX by X, okay? so ये X squared, तो DIG मिल गया। तो यहीं से हम इसको सम अप करते हैं, सब छोटे छोटे मास के कारण कितना हो रहा है इसको सम अप कर दें, या फिर ये कहें कि हम इसको इंटीग्रेट कर दें, तो हमें क्या है इस टोटल मास के कारण इस पॉइंट P पे क्या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो इसको देखो, सो IG की बात करेंगे तो क्या होगा, समेशन ऑफ DIG और इंटीग्रेशन ऑफ DIG, और इसका मतलब ये इंटीग्रेशन ऑफ GM by L टाइम DX by X स्क्वायर, यहाँ पे GM by L को हम पहले ही बार ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, अब ये समेशन इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है कि X का वेरिएशन हो रहा है, तो X का वेरिएशन हम क्या डालेंगे, सो X का वेरिएशन बच्चे यहाँ पर देखो, X वैल्यू कहाँ से कहाँ तक करेगा, X की बात करेंगे तो ये पोजीशन जो होगा ये क्या होगा, सेंटर से देखो ये डिस्टेंस है R, अगर ये जो है सेंटर से डिस्टेंस है R, सेंटर से डिस्टेंस है इसका R, तो ये वाला पोजीशन जो हो जाएगा R माइनस ये वाला L by 2, R माइनस L by 2, और ये वाला पोजीशन X का हो जाएगा R प्लस L by 2, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमें सिर्फ x का इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करना है, तो x का लिमिट देख लो, अगर सेंटर से डिस्टेंस है r, सेंटर से इस पॉइंट का तो डिस्टेंस है r, तो इस पॉइंट p का इस एंड से राइट एंड से क्या होगा पोजीशन r माइनस l बाय 2, और लेफ्ट एंड से क्या होगा r प्लस l बाय 2। सो x का वेरिएशन अगर हम चेक करेंगे, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस नहीं लगाते, ओके। सो जी एम बाई एल होगा और डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स का वेरिएशन जो होगा हमें यहीं पे कर देना था बेसिकली, यहीं पे। सो यहीं पे लिख देते हैं आर माइनस एल बाई टू से आर प्लस एल बाई टू हो जाएगा, ओके। सो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोग सब लोग जानते हो क्या होता है, बताओ x is to n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x n plus 1 over n plus 1, तो x यहाँ पे n का वैल्यू माइनस 2 है, तो माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा माइनस 1 हो जाएगा, over माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1 नीचे भी, तो माइनस 1 करने का मतलब माइनस x माइनस 1 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन जो होगा gm by l की बात करेंगे तो माइनस x माइनस 1 करने का मतलब माइनस 1 by x होता है, सब लोगों को पता है x is to n dx का फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, जो बच्चे नहीं जानता है लोगे याद रखेंगे, बहुत सारे बच्चों को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होता है, जेई के बच्चे हो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। मैंने सिखाया आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे से सिखाया, उसको हमेशा एकदम से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अभी तो आप मान के चलो बेसिक आपको याद ही होना चाहिए, पर उसको फिर से रिवाइज कर लो, और नहीं तो फॉर्मूला एटलीस्ट आपको याद ही होना चाहिए, उसके बिना हम फिजिक्स में आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते, कोई भी थोड़ा सा भी हमारा एडवांस टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट वहाँ पे आ जाती है, ओके। सो जितने भी एडवांस क्वेश्चन होते हैं उसके लिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब का रिवर्स्ड होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे लैग कर रहे होंगे तो वो भी रिवाइज करके अब तो पुख्ता कर ले, ओके। सो चलो इसको हम मिटा रहे हैं यहाँ पर, तो ये देखो ड्यू टू लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, अगर किसी रॉड के कारण उसके एक्सियल
अगर मान लो कि रॉड के एक्सिस के अलोंग, रॉड के एक्सिस के अलोंग अगर किसी पॉइंट पी पर आर डिस्टेंस पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को लिखना होगा तो हम किस तरह से लिखेंगे। सो ये हो जाएगा आपका देखो जी एम बाय एल, ठीक है। अब इसको माइनस 1 बाय एक्स है तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 1 बाय आर प्लस एल बाय 2 और ये हो जाएगा आपका माइनस और माइनस बाहर ही ले लें, चलो एक बार माइनस बाहर ले लें 1 बाय आर माइनस एल बाय 2। सो इसको सॉल्व करो, सो आई जी क्या हो जाएगा हमारा माइनस जी एम बाय एल और अंदर सॉल्व करेंगे तो ये सीधा दिख रहा है आर स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 4 हो गया, ओके। और ये क्या हो जाएगा ऊपर आर माइनस एल बाय 2 माइनस आर माइनस एल बाय 2 तो माइनस 2 एल बाय 2 हो जाएगा दैट इज माइनस एल हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो इसको अच्छे से सॉल्व करो आप तो ये आएगा चेक कर लो माइनस एल। अब इसको ये और भी सॉल्व करोगे तो आई जी का वैल्यू जो होगा सिर्फ मैग्नीट्यूड है यहाँ पे माइनस का मतलब फैक्टर मतलब कंसीडर करना, ये माइनस माइनस प्लस ही हो गया, ये 4 को ऊपर ले जाए तो ये हो गया 4 एल बाय आर 4 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 4 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है जी बच्चे। एल एल भी कैंसल आउट हो गया तो ये हो गया 4 जी एम, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे सो माइनस नहीं है 4 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चलिए बच्चे क्या ये आप समझ गए, क्या ये आप समझ गए, जिसको रिपीट करना है वापस से आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो किस तरह से हमने एलिमेंटल कंसीडरेशन किया है वहां पे, सो उसको आप चेक कर सकते हो कि किस तरह से हमने एलिमेंटल कंसीडर किया। और उसके बाद एक छोटे से एलिमेंट के कारण छोटा सा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी DIG क्या होगा उसको हमने कर लिया और उसी को इंटीग्रेट कर दिया विद इन प्रॉपर लिमिट, बस ये आ जाएगा रीअरेंजमेंट इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। सो यहां तक हो गया, एक बार फिर से चेक कर लो इसको कि लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अगर आपको यहां से सेंटर से आर पोजीशन पे, सेंटर से आर पोजीशन पे पॉइंट पी है और इसका जो पूरा लेंथ एल है और पूरा मास एम है, इसके कारण पॉइंट पी पे आई जी जो होता है वो क्या होता है 4 टाइम जी एम बाय 4 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ओके। रिजल्ट याद करने की चीज नहीं है, प्रोसेस आप जरूर ध्यान देंगे, प्रोसेस हमेशा आपको चेक करते रहना है, सीखने की चीज है, याद करने की चीज है, ओके। सो ठीक है, सो इससे हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। नाउ हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग मास, ये याद रखेंगे at a point of axis of circle, okay। देखो same जो type हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वही electrostatic में पढ़ना पड़ेगा और same तो method होगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है किस तरह से हम calculate कर रहे हैं field intensity को, similar fashion में वहाँ पर भी हमें electric field intensity का calculation करना पड़ेगा और उसे हमें लिखना पड़ेगा, चलो ठीक है। सो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि एक रिंग है जी और रिंग पे क्या होगा, ऑब्वियसली इसके पास मास है, ओके। रिंग के पास तो मास होता ही है, सो रिंग सबके पास आपने सबने देखा होगा घर में किस तरह का रिंग होता है, बहुत सारा एंगेजमेंट रिंग होता है,
ऐसे भी पापा मम्मी के पास होता है या बहुत सारे लोग अपने पास भी रखते होंगे। ओके सो ये रिंग होता है, देखा सभी ने होगा। चलो ये रिंग है, तो ये रिंग है और ये इसका एक्सिस है। तो इस पॉइंट पे एक्सिस के किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना चाहते हो, मान लो ये पॉइंट पी है और रिंग का रेडियस जो है आर है और ये जो सेपरेशन है रिंग का इस पॉइंट से, रिंग के सेंटर का सेपरेशन जो है पॉइंट पी से, वो है एक्स। चलो जी भाई ठीक है, टोटल मास रिंग का मान लेते हैं, टोटल मास जो है रिंग का, टोटल मास जो होगा रिंग का, टोटल मास रिंग का कैपिटल एम, एंड रेडियस की बात कर लेते हैं तो रेडियस आर एंड पॉइंट पी। एक्सियल जो है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, एक्सियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यहां पे लिखी फ्रॉम सेंटर, ये है आपका एक्स। चलो अब देखो क्या है, ये रिंग जो है इस पॉइंट पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एग्जर्ट करेगा, या फिर इस रिंग मास के कारण इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी एक्सियल पॉइंट पे। तो क्या सपोज कि यहाँ पर ये जो छोटा सा मास है पॉइंट, ओके इस छोटे से मास पॉइंट मास के लिए हम dm की बात करते हैं और इसको हम मान लेते हैं कि ये जो है z है। सो ऑब्वियसली देखो कि ये है रिंग हमारा, ये रिंग है और ये रिंग के सेंटर पे यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये रेडियस परपेंडिकुलर और ये एक्सिस परपेंडिकुलर रेडियस पे। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएंगे तो रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। ओके आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये जेड स्क्वायर। ओके सो ये वाला देखो हम छोटा सा मास कंसीडर करें हम अगर डीएम, सो छोटा सा मास डीएम जो होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, बोलो हाँ या ना। सो वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा डीई। अब इसका दो कंपोनेंट होगा, इसका दो कंपोनेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, इसका दो कंपोनेंट देखो यहाँ पे याद रखें कि इसको किस तरह से रिजॉल्व कर रहे हैं। ये अगर कोई वेक्टर है तो इसका दो कंपोनेंट हम लिख सकते हैं वेक्टर रिजॉल्यूशन में, हम अच्छे से समझते हैं इस बात को। तो ये अगर थीटा है और ये डी ई है तो ये हो जाएगा डी ई, सपोज वाई बोल देते हैं और ये डी ई एक्स बोल देते हैं, ठीक है भाई। सो डी ई एक्स जो हो जाएगा आपका डी ई कोसाइन ऑफ थीटा हो जाएगा और डी ई वाई जो हो जाएगा डी ई साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, यस और नो। सो यहाँ पे देखो सिमिलरली इसको आप क्या करो DEY बोलो और इसको DEX बोलो। चलो ठीक है भाई, इसको हम यहाँ पे देख लें, इसको रिजॉल्व किया है और इसको हम थीटा बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सो अब देखो हम ये मास है, अब डायमीटर पे इसके डायमीटर पे रिंग के डायमीटर पे हम देखेंगे तो ईच एंड एवरी पॉइंट मास पे डायमेट्रिकली अपोजिट एक पॉइंट मास होगा, डायमेट्रिकली अपोजिट एक पॉइंट मास होगा, ठीक है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट मास होगा। तो ये पॉइंट मास भी जो है ये क्या होगा, ये पॉइंट मास भी यहाँ पर अपना ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पर अपना ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है वो क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा। सो इस ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण इसका भी दो कंपोनेंट होगा, क्या होगा डी ई वाई एंड ये जो हो जाएगा डी ई एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करो इस दोनों मास को एक साथ अगर देखेंगे तो उसका जो अलोंग द एक्सिस एक्स कंपोनेंट वाला है, अलोंग द एक्सिस एक्स कंपोनेंट वाला जो होगा
एक्स कंपोनेंट है वो तो एक दूसरे को असिस्ट कर रहा है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का एक्स कंपोनेंट ड्यू टू डायमेट्रिकल मास ड्यू टू डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट मासेस क्या कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट एक दूसरे को असिस्ट कर रहा है, इसका भी इधर इसी डायरेक्शन में और इसका भी इसी डायरेक्शन में। इधर जो होगा एक्स के लॉग देखेंगे इस दोनों के कारण नेट तो 2dEx हो जाएगा, और इधर लेकिन वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो dEy क्या हो जाएगा, इसका वाला और इसका वाला दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। ये पॉइंट मास के कारण dEy y डायरेक्शन में होगा, और ये पॉइंट के कारण जो होगा dEy क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा क्योंकि वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल ये भी है, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल ये भी है, सो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। ये y डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। ये पॉइंट यहां पर नोट कर लो, हम इसको आगे मिटा देते हैं। सो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, जो है सिर्फ और सिर्फ नेट जो होगा हमारा ग्रेविटेशनल इफेक्ट की बात करेंगे, तो नेट ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो होगा अलोंग द एक्सिस ही होगा, नेट ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो होगा अलोंग द एक्सिस होगा एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये अगर रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है, तो ईच जो है ईच पॉइंट मास के डायमेट्रिकली अपोजिट, ईच पॉइंट मास के डायमेट्रिकली अपोजिट, ईच पॉइंट मास के डायमेट्रिकली अपोजिट क्या होता है, एक दूसरा पॉइंट मास होगा और वो एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। इस पॉइंट को याद रखेंगे, आगे हम इलेक्ट्रोस्टेट में भी इस कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं, सो याद रखेंगे। डायमेट्रिकल में क्या होगा, ये जो पॉइंट मास के कारण जो है यहां पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट होगा, उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका दो कंपोनेंट होता है, वेक्टर का रिजोल्यूशन हम कर सकते हैं एक्स और वाई के लॉग, तो वाई कंपोनेंट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सबका मिलके क्या होगा, वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। ओके, ओनली जो है एक्स कंपोनेंट बचेगा, सो यहां पे लिख सकते हैं कंपोनेंट कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इन डायरेक्शन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्सिस एक्सिस कलेक्टिवली प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट इन वाई डायरेक्शन और परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ओके, वाई कंपोनेंट वाला तो सब मिलके क्या होगा, जीरो प्रोड्यूस कर देगा। सो रिजल्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे तो नेट या फिर आप सीधा नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड center only. Okay,
याद रखेंगे इस पॉइंट को, आप नोट कर सकते हो एक्सप्लेनेशन के लिए जिसको चाहिए एक बार वहां पर आप भी रख में जैसे मैंने किया एक बार खुद से चेक कर सकते हो, कर लोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है, ये इसका जो है पूछा जाता है, एडमिशन भी पूछा जाता है ट्वेल्थ के बोर्ड में। सो एक बार दो बार लिखोगे तो आगे न्यूमेरिकल में भी इसको लिखना पड़ेगा, आपको बहुत बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो दो तीन बार आप नोटबुक पे या आप आजकल दो स्क्रीन पे भी लिख सकते हो, पेपर लेस जो होता है आप मतलब कि पेज को बचा सकते हो, डिजिटल पेज पे भी लिख सकते हो। सो उस पे भी लिख सकते हो जिसको महंगा पड़ रहा है मतलब कि पेज पेपर, तो आजकल तो डिजिटल स्क्रीन पे लिख सकते हो, उस पे ही प्रैक्टिस करते हो कोई दिक्कत नहीं, या बोर्ड लगा दे सकते तो लिखते रहो। लेकिन दो बार तीन बार लिखोगे जाके तब जाके याद होगा और अभी से ही प्रैक्टिस स्टार्ट होगा। सो इसको देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग मास में, अब आप ये समझ गए कि ये रिंग के कारण अगर रिंग ऐसा रखा हुआ है और ये जो है एक्सिस है तो इस पॉइंट पे जो होगा ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग द एक्सिस ही होगा, अलोंग द एक्सिस इधर ही होगा ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्टिव होगा तो उधर ही होगा, या इधर ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे नहीं होगा। नेट रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे तो वो ऑलवेज अलोंग द एक्सिस टुवर्ड्स द सेंटर होगा। ओके सो ये बात पक्की हो गई, इसको पॉज करके आप लिख सकते हो, इसको आप मिटा देंगे। So gravitational field intensity due to circular ring mass at a point of the axis of circle की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले dEx की बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा dE, ये क्या होगा dE cos theta। चलो भाई dE की बात करेंगे, sorry dEx लिखा है यहाँ पे, actually यहाँ पे हम अभी तक I use कर रहे थे बच्चे, तो यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं तो आई की जगह ई लिखा जाता है। ओके सो ये डी आई लिख लेंगे। ओके सो ये जो है डी आई, जनरली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को आई से हम डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे डी आई लिखेंगे तो ज्यादा हमारे लिए रहेगा, और इसको मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, अगर ई भी ना दे दिए तो कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। चलो DI की बात करेंगे तो DI क्या होगा G M1, M1 की बात करेंगे तो DM, M2, M2 की बात करेंगे, मान लेते हैं M यहाँ पे रखा है यहाँ पे, तो I तो GM by R स्क्वायर होता है, GM M अगर पार्टिकल का मास है तो GM by R स्क्वायर होता है, तो डायरेक्टली G टाइम ये M की जगह DM यूज करोगे क्योंकि पार्टिकल का मास जो है DM है, और R स्क्वायर होता है यहाँ पे R की जगह क्या पुट करेंगे आप पुट करेंगे Z स्क्वायर पुट करेंगे। सो ये देखो यहाँ पे याद रखेंगे, और Z स्क्वायर को क्या हम R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। सो आपको साइन ऑफ थीटा अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो ये है वैल्यू R, ये है R और ये है आपका X, तो ये कोसाइन ऑफ थीटा की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा X by Z। सो DI इक्वल टू G DM DM और ये X by Z क्यू। अब यहां पे देखो जो है इस पॉइंट के लिए जो m मास का वेरिएशन होगा, x भी कांस्टेंट है r भी कांस्टेंट है, सो z भी क्या होगा कांस्टेंट है। सो i की बात करेंगे, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्ट की बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका यहां पे देखो यहां पे di, हाँ dix है, I होगा समेशन ऑफ dIx होगा, और ये हो जाएगा आपका g dm,
देख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सम करो, जी डी एम एक्स बाय जेड यू। अब देखो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ सर्कल पे घूमो तो x तो चेंज नहीं हो रहा है, ये पॉइंट तो यहीं पे है, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस वही है, तो x चेंज नहीं हो रहा है, तो x के टर्म में आगे पुट करने की जरूरत नहीं है। x भी है इसके लिए क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल के टर्म में है बट कांस्टेंट रह रहा है। रेडियस भी क्या है, चेंज नहीं होगा, सो रेडियस चेंज नहीं होगा, x चेंज नहीं होगा, तो z भी चेंज नहीं होगा, तो z हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ओनली क्या होगा, मास चेंज होगा, अगर यहां से पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो मास चेंज होगा और ये हो जाएगा आपका जी डी एम बाय जेड क्यू, और ये सॉरी जी एक्स यहाँ पे रखो। और इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम की बात करेंगे, अगर पूरे सर्कल पे आप चेक करोगे, पूरे सर्कल पे घूमोगे और पूरे छोटे छोटे मास को क्या करोगे, ऐड करोगे, छोटे छोटे मास को ऐड करोगे, तो ये छोटे छोटे मास को ऐड करेंगे पूरे रिंग के लिए, तो क्या होगा, टोटल मास ऑफ रिंग हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम क्या हो जाएगा बताओ, जी एक्स बाय जेड क्यू इंटू एम, ओके इंटू एम हो गया। सो सिंपली याद रखोगे आई की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जी एम एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया, थ्री बाय टू, थ्री बाय टू, क्योंकि ये जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो जेड क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर वन बाय टू हो जाएगा। सो जेड का वैल्यू यहाँ पे ये याद रखोगे, और इसके अलावा ये क्या है, एक्स बाई जेड क्या है आपका, कॉस थीटा है, एक्स बाई जेड क्या है, कॉस थीटा है। तो यहाँ पे देखो आर तो रेडियस कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब इस पॉइंट को हम एक्सिस के अलावा ऊपर नीचे करेंगे तो ये जो है इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उसका वेरिएशन भी होगा। अगर हम वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, आई जी की बात करेंगे, सो आई जी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्मेट में लिखोगे तो इसको मैग्नीट्यूड आप वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे, मैग्नीट्यूड कहीं पे आपको माइनस जी एम एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थ्री बाय टू ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, माइनस लगा हुआ मिलेगा, इसका मतलब उसने डायरेक्शन को कंसीडर किया है, यहाँ से सेंटर से राइट वार्ड पॉइंट पी को पॉजिटिव कंसीडर किया है, जबकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लेफ्ट वार्ड एक्ट करेगा, तो लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन को माइनस से डिनोट कर, इसीलिए वहाँ पे माइनस जो होगा लगा हुआ होगा। बाकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये हमारा यहीं पर होगा, ये जी एम, अगर ये टोटल मास एम है तो जी एम ये डिस्टेंस एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा का पावर थ्री बाई टू। ये याद कर लो, वेरी वेरी यूजफुल रिजल्ट है, सिमिलर रिजल्ट हम इलेक्ट्रोस्टेट जब पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण सिमिलर वेरी सिमिलर रिजल्ट आएगा, ओके वहाँ पर भी हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है बच्चे, तो ये क्लास हम यहीं पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के अच्छे अच्छे प्रॉब्लम और भी कैलकुलेशन डेरिवेशन किस तरह से करते हैं, फिर जो स्पेसिफिक ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ऑफ अर्थ स्मॉल जी की बात करते हैं उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे और उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये क्लास यहीं पे रखने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।